हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चने की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने चने लिए हैं, लेकिन चने मैंने दोनों अलग अलग लिए हैं और इन दोनों चनों की हमने अलग अलग तो सब्जियां बहुत बनाई है, लेकिन आज मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ दोनों को मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। और दोनों को सब्जी जब मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर जो चने लिए हैं मैंने, एक कप काबुली चने हैं और एक कप ब्लैक वाले चने हैं, और इनको मैंने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो अब मैंने पानी निकाल दिया है और चनों को अलग कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया है और इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो सबसे पहले इसमें हम तेजपत्ते डालेंगे, 2 तेजपत्ते डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसे मैं चॉप कर लेती हूँ। आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं इसे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले इसमें तेजपत्ते डाल देंगे। साथ में यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ और जिसे मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। आप इसकी क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये डाल देंगे। और साथ में जो प्याज हमने चॉप करके रखे हैं वो भी डाल देंगे। ये चॉप किए हुए प्याज भी डाल देंगे साथ में। प्याज को हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज के हल्का सॉफ्ट होने तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। लगातार चलाते हुए हम प्याज को भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी चॉप कर लेते हैं। प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। सूखे मसालों में इसमें धनिया का पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा है 1/3 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। और साथ में 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर डाल रही हूँ मैं। और मसालों को मिला लेंगे 1 मिनट तक प्याज के साथ। तो यहाँ मैंने मसालों को मिला लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं 3 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि सूखे मसाले बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। और अदरक लहसुन के पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अदरक लहसुन का जो कच्चापन है दूर हो गया है। अब इसमें जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हैं वो डाल देंगे। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को भी गलने तक पकाएंगे। नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी गल जाए, तो नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाला है। इसे भून लेते हैं टमाटर के गलने तक। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है और टमाटर भी गल गए हैं। इसमें अब हम चने डाल लेते हैं। तो जो हमने काले चने लिए 1 कप वो डाल देंगे और जो व्हाइट चने लिए हैं वो भी डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट तक गैस के फ्लेम को फुल करके हम भूनेंगे चनों को। तो बिल्कुल फुल करके चनों को भून लेना है और 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे, ताकि चने हमारे मसाले के साथ अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब ये देखिए कुकर में चिपक भी नहीं रहे हैं और चनों पर मसालों की अच्छी कोटिंग भी आ गई है। तेल अलग हो गया है बिल्कुल चनों से। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। तो आप अपना जिस तरह से आप इसकी ग्रेवी रखना चाहें चनों की, उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं 2.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाल देती हूँ।
यहाँ मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें हमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब प्रेशर अपने आप निकल जाएगा तो हम कुकर खोलेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसमें 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। साथ में 1/4 चम्मच मीठा सोडा डालूंगी ताकि चने हमारे अच्छे से गल जाएं। तो 1/4 चम्मच मीठा सोडा और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब मिलाने के बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना। कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने और इसमें 3 से 4 सीटी आने का वेट कर लेते हैं, या फिर जब तक हमारे चने अच्छे से गल नहीं जाते तब तक हम इसमें सीटी लगा लेंगे। 4 सीटी लग चुकी है और इसमें से प्रेशर अपने आप निकल गया है। तो मैंने कुकर को खोल लिया है और ये देखिए चने हमारे अच्छे से पक चुके हैं, फट गए हैं चने। थोड़े से चने हम एक बाउल में निकालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से चने निकाल ले रही हूँ अलग से। यहाँ पर मैंने 3 करछी चने निकाल लिए हैं। इसके बाद जो इतने चने हमने निकाले हैं इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश कर लेंगे इसे। तो ये देखिए मैश हो गए हैं चने। चने बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो ये चने हम वापस कुकर में डाल देंगे। इन चनों को वापस कुकर में डाल दे रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे काफी सारा बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल दे रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसे और एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ मैं इसे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मिक्स चने की सब्जी तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी मिक्स करके बना के खाने में। तो इसे आप चावल, रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगने पर जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।